हेलो फूड लवर्स, मैं अंजलि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए सुपर ट्रेंडिंग, सुपर डिलीशियस और बेहद ही खूबसूरत ग्लिटर केक। इसे सिमर केक भी कहते हैं। ग्लिटर केक बनाना और खाना अपने आप में एक नया और खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मैं अपने इस वीडियो में इसकी बारीकियाँ डिटेल में शेयर की हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ग्लिटर केक। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। ग्लिटर केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वनीला स्पॉन्ज लिया है। आप कोई भी फ्लेवर का स्पॉन्ज ले सकते हैं। वनीला स्पॉन्ज मैंने कैसे बनाया है आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब मैं ऊपर के एजेस को निकाल देती हूँ। आप इस स्पॉन्ज को आप दो या तीन भाग में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे तीन भाग में कट करती हूँ। मैंने इसे तीन भाग में कट कर लिया है। अब हम इसे साइड रखते हैं और क्रीम को बिप कर लेते हैं। क्रीम को बिप करने के लिए मैंने एक ग्लास बाउल लिया है और इसमें वन बाउल क्रीम डाल देते हैं, विप क्रीम। अब हम इसमें स्टीप पिक आने तक में इसमें बीप कर लेते हैं। हमारा अच्छी तरह से क्रीम बीप हो गया है और हम इसे साइड करते हैं। ग्लिटर केक बनाने के लिए हम दो कलर का ग्लिटर यूज कर रहे हैं। इसमें क्रीम में भी दो भाग कर लेंगे और इसमें दो कलर मिलाएंगे। फ्लेवर के लिए मैं कुछ बूंदे वनीला एसेंस डाल रही हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर मिला रही हूँ और इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। ग्रीन कलर अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसे हम पाइपिंग बैग में कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक गिलास ले रही हूँ और एक मैंने पाइपिंग बैग लिया है। इसमें मैंने नोजल डाल लिया है। मैं नोजल को बाद में यूज करूंगी इसलिए मैंने नोजल पहले ही डाल लिया है। आप सिर्फ पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। मेरा पाइपिंग बैग में क्रीम रेडी हो गया है। अब हम केक आइसिंग करते हैं। केक आइसिंग के लिए इस लेयर को इससे हटाते हैं, थोड़ा सा क्रीम इसमें लगा लेते हैं। इससे हमारा केक है जो अच्छी तरह से चिपका रहे इसमें, इस बेस को इस पर रख लेते हैं। ये मैंने शुगर सिरप बनाया है। इसमें 4 टेबल स्पून पानी डाला है और 2 टेबल स्पून चीनी डाला है। इसमें अच्छी तरह से घोल लिए है। इसे चारों तरफ अच्छी तरह से डाल लेंगे जिससे कि हमारा केक है जो सॉफ्ट बना रहेगा। मैंने शुगर सिरप से अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसे आइसिंग करते हैं। मैंने एक स्पैचुला लिया है, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पाइपिंग बैग से करने से ये बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना है। इसके ऊपर दूसरा लेयर भी हम लगाएंगे। मैंने दूसरा लेयर रख दिया है। उसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं इसमें शुगर सिरप डालूंगी और चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसमें क्रीम लगा लेंगे। अब हम तीसरे लेयर को भी रख देते हैं। ये थोड़ा सा टूट गया, उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आइसिंग करने के बाद ये कुछ भी पता नहीं चलता है। अब इसमें हम शुगर सिरप डाल देते हैं सेम प्रोसेस में। ऊपर वाले भाग में ग्रीन कलर नहीं डालेंगे, इसमें हम दूसरा कलर डालेंगे और साइड साइड है जो हम ग्रीन रखेंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे आइसिंग कर लेते हैं। ये हमारे नीचे के भाग में आइसिंग हो गया है। अब ऊपर के भाग में आइसिंग करेंगे। ऊपर के भाग में हम ब्लू कलर डाल रहे हैं। स्पैचुला को बार बार क्लीन करते जाएंगे।
हम ग्लिटर केक बना रहे हैं, इसमें हम ग्लिटर का यूज करेंगे। मैंने एक इस तरह से डिब्बा लिया है जो हम रंगोली बनाने में यूज करते हैं। ग्लिटर केक में क्रीम का कलर और ग्लिटर का कलर एक होना चाहिए। हम साइड में ग्रीन ग्लिटर यूज करेंगे। मैंने होममेड ग्लिटर को यूज कर रही हूँ। मैं इस तरह से आप ग्लिटर को डालें, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से डाले गए। इधर मैं फ्लावर बनाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम केक बोर्ड को पकड़ लेंगे, इसमें हम फ्लावर बना रहे हैं। अब हम ब्लू ग्लिटर का यूज करेंगे। मेरा ग्लिटर और फ्लावर अच्छी तरह से बन गया है, आप अपने हिसाब से भी डिजाइन दे सकते हैं। मैं गोल्डन शुगर बॉल यूज कर रही हूँ। अब मैं येलो शुगर बॉल यूज कर रही हूँ, इसे मैं साइड साइड डेकोरेट कर रही हूँ साइड साइड से। इस केक को मैं एंगेजमेंट एनिवर्सरी के लिए डेकोरेट कर रही हूँ। मैं इसमें व्हाइट शुगर बॉल यूज कर रही हूँ। यह ग्लिटर केक बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं स्लोली स्लोली आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर केक बना है। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दिए गए लिंक पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा।